तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड साइड में ना आप लोगों को घंटी का बटन दिखाई देगा, आप लोग ना इसी पर क्लिक कर देना एंड ऑल पर सेट कर देना, ताकि आने वाला वीडियो ना आप सभी लोगों के लिए जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं टेक्निकल विनीत और स्वागत करता हूँ उन लोगों को जो लोग दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, और जो लोग अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे में एक रेड कलर का बटन दिखाई देगा दोस्तों, जल्दी से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि अभी बाहर साइड ना एक पूजा चल रहा है, तो उनका वॉइस भी इस वीडियो में सुनने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, वे लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं दोस्तों अपना काम कर रहा हूँ, और आप सभी लोग का काम है दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करना। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि आज का मेन टॉपिक यह है कि अभी इंडिया में ना मोटोरोला कंपनी एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि यह कुछ दिन पहले ना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया था, वो भी दोस्तों 4G। ओके, और दोस्तों यह कुछ ही दिन बीत जाने के बाद यह मोटोरोला कंपनी एक नया स्मार्टफोन फिर से लॉन्च कर दिया, यह है दोस्तों 5G, जिनका नाम है दोस्तों मोटोरोला मोटो G82। तो दोस्तों इनका मैं ऑल डिटेल आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ कि इस फोन के अंदर में ना क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, कौन सी कमी नजर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन से फीचर के अंदर में ऐड किया हुआ है, सब कुछ आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं इनका पहला फीचर, जो कि दोस्तों इनका स्नैपड्रैगन के बारे में, इनके अंदर में दोस्तों थोड़ा सा कमी नजर देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना, जैसे कि नॉर्मल फोन के अंदर में ना 888 इसके अंदर में स्नैपड्रैगन देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों इस फोन के अंदर में ना मोटो G82 के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा 695 स्नैपड्रैगन, थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों को कमी नजर देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों बात करते हैं इस फोन के अंदर में इनका रिजोल्यूशन के बारे में, इसके अंदर में ना थोड़ा सा क्वालिटी हाई देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना कि फोन के अंदर में ना रिजोल्यूशन 1080 से लेकर 2400 पिक्सल का देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों इस फोन के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा 1080 से लेकर 2460 पिक्सल का इनका रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फोन का डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना कि इनका डिस्प्ले ना AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और क्वालिटी की बात करेंगे ना तो इसके अंदर में 4K की क्वालिटी आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी देखने को मिलेगा। और दोस्तों इनकी साइज की बात करेंगे ना तो 6x6 इंच का इनका AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों इनका अगला फीचर OS के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों इस फोन के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा Android 12 वर्जन, लेकिन दोस्तों यह आवश्यकता पड़ने पर ना या 13 वर्जन भी आप सभी लोग अपडेट कर सकते हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फोन का मेमोरी पावर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि यह मार्केट में ना दो ब्रांड में अवेलेबल होने वाला है, जो कि दोस्तों पहला ब्रांड के अंदर में ना 6GB रैम देखने को मिलेगा और 128GB इनका इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। और दोस्तों बात आता है इनका दूसरा ब्रांड की, तो इस फोन के अंदर में ना 8GB रैम देखने को मिलेगा और 128GB इनका इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि दोनों ब्रांड के अंदर में इनका रैम अलग अलग है, लेकिन इनका इंटरनल स्टोरेज ना सेम देखने को मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों इनका जनरल फीचर, जैसे कि इस फोन के अंदर में दो सिम कार्ड, नैनो सिम कार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, फेस लॉक भी देखने को मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस फोन के अंदर में ना GPS लगा हुआ देखने को मिलेगा। मान लीजिए दोस्तों आप सभी लोगों का फोन कहीं पर गुम हो जाता है ना, तो GPS की मदद से इस फोन को आप सभी ना सर्च कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों इस फोन का बैटरी पावर के बारे में, तो इस फोन के अंदर में ना लिथियम एंड पोटेशियम से बना हुआ 5000 mAh का एक बड़ा साइज का बिग बैटरी देखने को मिलेगा, और दोस्तों इनके साथ में ना 30 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगा, और चार्जिंग सपोर्टिंग की USB की बात करेंगे तो Type-C इस फोन के अंदर में अवेलेबल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना इस फोन के अंदर में थोड़ा सा कमी नजर देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों इस फोन के अंदर में ना HDMI अवेलेबल नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि अभी 2022 आने के बाद ना कुछ फोन के अंदर में HDMI देखने को मिल रहा है, और कुछ फोन के अंदर में ना HDMI अवेलेबल नहीं कर रहे। तो दोस्तों आप सभी लोग ना 2022 आने के बाद एक अच्छा खासा बेस्ट मॉडल स्मार्टफोन लेना चाहते हो ना, तो दोस्तों आप सभी लोग कोई सा भी कंपनी का फोन लेना, लेकिन दोस्तों 5G होना चाहिए, क्योंकि यार अभी 5G नेटवर्क आने वाला है तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। फाइनल दोस्तों बात करते हैं इस फोन का प्राइस कितना रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि इनका प्राइस है 23 से लेकर 25,000 के अंदर में,
लेकिन दोस्तों यह अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अभी नहीं मिलेगा, कुछ दिन के बाद यह अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं हूं टेक्निकल विनीत, आप सभी लोगों के लिए इंडिया में जितने सारे नए नए फोन लॉन्च होता है दोस्तों मैं उसी के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो इसी प्रकार का और भी आप सभी लोगों को नए नए फोन का नोटिफिकेशन चाहिए ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।